भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। नारायण नारायण, अपने मानस पिता ब्रह्मदेव का अभिमान और भैया दक्ष का प्रतिशोध देखकर निरंतर श्री हरि की भक्ति में लगा मेरा ये मन और अधिक व्याकुल हो गया है। जिज्ञासा की उद्विग्नता बढ़ती ही जा रही है, किंतु श्री महागणेश के अतिरिक्त इस नारद की जिज्ञासा का शमन और कौन करेगा? किंतु मैं श्री महागणेश को कहां ढूंढूं? वे तो केवल अपनी कृपा से ही अपने भक्तों को दर्शनों का लाभ प्रदान करते हैं। हे प्रथम पूज्य, हे अविघ्नेश्वर श्री महागणेश, आप दर्शन दे प्रभु, आप दर्शन दे, आप दर्शन दे। आप कहाँ हैं श्री महागणेश? आप दर्शन दे प्रभु। अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे प्रभु। हे महागणेश, आपको मैं कहाँ ढूंढूं प्रभु? आप कहाँ हैं महागणेश? हे चिंताहरण श्री महागणेश, दर्शन दे महागणेश। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आपको मैंने यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढा, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस दीनहीन नारद के भाग्य में आपके दर्शनों का लाभ नहीं है। गणेश, इतने अधिक व्याकुल होकर हमें क्यों पुकार रहे हो देवर्षि नारद? हे प्रभु, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपने अपने इस भक्त को दर्शन देकर अपने इस भक्त की लाज रख ली प्रभु। सच्चे मन से पुकारने वालों को दर्शन देना हमारा कर्तव्य है देवर्षि। हे श्री महागणेश, आप मुझे तनिक ये तो बताएं कि अपने इस भक्त के साथ में ये अन्याय क्यों? अन्याय? हाँ प्रभु, ये अन्याय ही तो है। आपकी कृपा से ये नारद 14 भुवनों में ये रोक टोक आ जा सकता है, किंतु आपके लोक में? मेरा तो कोई लोक ही नहीं है नारद। अर्थात प्रभु, मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि नारद। मैं तो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूँ। जहाँ मुझे सच्चे मन से पुकारोगे वही मैं प्रकट हो जाऊंगा। जय जय श्री महागणेश। नारद, सृष्टि के कर्ता ब्रह्मदेव तथा दक्ष प्रजापति के अहंकार की भीषण टक्कर देख तुम इतने व्याकुल तथा उद्विग्न क्यों हो रहे हो? हे श्री महागणेश, नारद की उद्विग्नता और व्याकुलता का कारण है उसकी जिज्ञासा। कृपा कर इतना तो बताएं कि इन अभिमानों की भयंकर टक्कर का परिणाम क्या होगा? दक्ष का अभिमान ही उसकी दुर्दशा का कारण बनेगा नारद। जय जय श्री महागणेश। और मेरे मानस पिता ब्रह्मदेव के अहंकार का परिणाम क्या होगा प्रभु? ब्रह्मदेव के अहंकार का परिणाम स्वयं दक्ष ने घोषित कर दिया है नारद। वे उस पूजनीय पद के अधिकारी नहीं होंगे जो भगवान विष्णु तथा भगवान शिव को प्राप्त होगा। ब्रह्मदेव पूजनीय तथा त्रिदेवों में से एक होने पर भी वे पूजा के अधिकारी नहीं होंगे। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। शक्ति को आश्रय प्रदान करने वाले महादेव को प्रणाम। आप तो सदा सदा हमारे अस्तित्व में ही समाई रहती हैं। हाँ स्वामी, संसार की शक्ति का आश्रय तो आप ही हैं। शिव आपका आश्रय है अथवा स्वयं आपसे आश्रय पाता है, ये चिंतन का विषय है।
क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव है। कहें, इस समय प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? मानवीय स्वरूप में जन्म लेने की आकांक्षा के कारण ही मैं आपके समीप प्रकट हुई हूँ। मानवीय जीवन प्राप्त करना अत्यंत ही सौभाग्य की आकांक्षा है, परंतु मानवीय जीवन में सुख के साथ दुख भी समान रूप से उपस्थित रहता है। पति रूप में आपको पाकर आपकी सेवा करने का महान सुख प्राप्त करने की आकांक्षा में शक्ति के लिए संसार का हर दुख सुख बन जाए। अर्थात आपका मन मातृत्व का सुख प्राप्त करने को लालायित है? हाँ अंतर्यामी, मातृत्व का गौरव प्राप्त करना नारी जीवन की सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा होती है। आप मौन क्यों हो गए प्रभु? मानवीय जीवन की नियति से अनभिज्ञ नहीं है महादेव। मानव मन की समस्त आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती। कहीं आप मानवीय रूप में जन्म लेकर परिस्थितियों के दुष्चक्र में उलझ न जाए। महादेव, शिव की शक्ति क्या परिस्थितियों के दुष्चक्र में उलझ सकती है? महादेवी, मानव नियति से जुड़ने के पश्चात यदि आप अलौकिक संयोग प्राप्त करेंगी तो क्या मानव जाति आपको अपना आदर्श बनाएगी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ स्वामी। मैं बिना अलौकिक सहयोग के मानव जीवन के दुख झेलने को भी प्रस्तुत हूँ। महादेवी, इस पुनीत कार्य के लिए आप उचित अवसर की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती? कब आएगा वो उचित अवसर? वो तो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा पर ही निर्भर। श्री महागणेश? गणेश को शक्ति का प्रणाम। मातृ शक्ति, आप जगत पूज्य हैं। मुझ महागणेश में रचना शक्ति के जो अंश विद्यमान हैं, व्यापी की शक्ति के तत्व से प्राप्त हुए हैं। सर्वेश्वर श्री महागणेश, आप तो सृष्टि के मूलाधार हैं। आप प्रथम पूज्य हैं। आप ही सृष्टि के समस्त जड़ चेतन की वंदना के अधिकारी हैं। मैं आपके सन्मुख एक आकांक्षा लेकर प्रकट हुई हूँ। आपकी आकांक्षा का ज्ञान हमें भली भांति है मातृ शक्ति। आपने महादेव शिव के सम्मुख जो मानवीय रूप धारण करने की इच्छा प्रकट की है उसके पीछे आपकी माता बनने की कामना है। आपने पुत्र रूप में हमें प्राप्त कर हमें गौरव प्रदान करने की अभिलाषा की है। आप तो बिना कहे ही सब कुछ जान गए सर्वेश्वर श्री महागणेश। अब कृपा करके मेरी अभिलाषा भी पूर्ण करें। हे मातृ शक्ति, आपकी अभिलाषा पूर्ण कर आपकी गोद में खेलने के लिए मेरा मन अभी से मचल रहा है। किंतु क्या श्री महागणेश? हम भी भगवान शिव की बात से सहमत हैं मातृ शक्ति। ये समय मानवीय अवतार धारण करने के लिए उचित नहीं है। कारण? मातृ शक्ति, आपको हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं आपको पुत्र रूप में पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकती श्री महागणेश। समय के साथ अपने कथन को सिद्ध करते हुए परमपिता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने संपूर्ण पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। परमपिता ब्रह्मपुत्र दक्ष का अहंकार अब पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के संबोधन से संतुष्ट होने लगा। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को एक दिन परमपिता ब्रह्मा स्वयं उसके विवाह का परामर्श देने दक्ष महल पधारे। आपका धैर्य भी प्रशंसनीय है परमपिता। कितनी बार
कितनी बार मैंने आपका अपमान किया, किंतु आप बार बार परामर्श देने बिना अपने अपमान की चिंता किए पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के महल में प्रकट हो ही जाते हैं। दक्ष, अपने अपमान की चिंता किए बिना बार बार तुम्हारे समीप आने का एकमात्र कारण है कि मैं तुम्हें अब भी अपना पुत्र मानता हूं। तुम्हारे अहंकार, स्वार्थ और दुष्टता को यही सोचकर बार बार मैं क्षमा करता हूं कि यदि शरीर का कोई अंग रोगग्रस्त हो जाए तो उसे काट कर फेंकते नहीं, अभी तो उसका उपचार करते हैं। तो आप यहां बार बार हमारा उपचार करने आते हैं? हाँ, यही सोचकर कि संभवतः तभी तो तुम्हारे भीतर सदाचार जन्म लेगा। परम पिता, आपके स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। अर्थात? सत्य है, आपके स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है परम पिता। क्या आपको स्मरण नहीं कि हमारा अवतार आपके शरीर के भीतर उपजे अहंकार के विस्फोट से हुआ था? आपका अहंकार तो दक्ष प्रजापति को अवतार धारण करने न देता, किंतु हमने स्वयं अपनी इच्छा से अवतार धारण किया है। इस कारण न तो कोई हमारा पिता है, न ही हम किसी के पुत्र हैं। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, किंतु मेरे लिए तुम पुत्र ही हो। आश्चर्य है कि श्रापित होकर भी आपका स्वार्थ और स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति से संबंध जोड़ने का एक भी अवसर मिलने पर आप कदाचित नहीं चूकते हैं। दक्ष, मैं जानता हूं कि जन्म लेने के पश्चात तुमने मुझे अपूजनीय होने का श्राप दिया था, किंतु वो श्राप मेरे लिए श्राप नहीं, वरदान सिद्ध हुआ। वरदान? तुम्हारा चकित होना स्वाभाविक ही है दक्ष, क्योंकि आज तक जिस श्राप के कारण तुम्हारा अहंकार संतुष्ट होता था, आज वो मिथ्या प्रमाणित हो रहा है। कारण जानने के इच्छुक हो? अवश्य अवश्य, प्रजापति दक्ष अवश्य वो कारण जानने के इच्छुक है ब्रह्मदेव। तो उनका श्राप वरदान कैसे हो गया? क्योंकि पूजा में प्रशंसा और समर्पण का भाव सबसे अधिक होता है, और प्रशंसा और समर्पण के भाव से ही अहंकार को संतुष्टि मिलती है, और तुम्हारे ही श्राप के कारण कोई पृथ्वीवासी मेरी पूजा नहीं करता, जिससे मेरा अहंकार सदा शांत रहता है। इसी कारण तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। अर्थात अनजाने दक्ष प्रजापति ने आप पर महान उपकार किया है। निसंदेह। परम पिता, आज के पूर्व आपका आगमन सदा मेरी उत्तेजना का कारण बनता था, परंतु आज आपके मुख से सत्य सुनकर हम प्रसन्न हुए। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के दर्शनों की इच्छा आपके मन में क्यों जागी? दक्ष, अब वो समय आ गया जब किसी श्रेष्ठ परिवार में तुम्हारा विवाह संबंध स्थापित कर दिया जाए। इस पृथ्वीलोक पर तो कोई ऐसा श्रेष्ठ परिवार पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को दिखाई नहीं देता। पृथ्वीलोक पर जन्म लेने वाले हर प्राणी का भविष्य नियंता की लेखनी से उसके जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है, और तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की सौभाग्यवती सुशील और रूपवती कन्या वीरणी के साथ होना निश्चित है। प्रजापति वीरण, इस नाम का तो कोई प्रजापति पृथ्वीलोक पर नहीं है। कौन है यह प्रजापति वीरण? तुम्हारी भांति मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई, किंतु क्या वास्तव में तुम सप्तद्वीप के वीरध्वज प्रदेश के प्रजापति वीरण को नहीं जानते? हम जानने के इच्छुक भी नहीं है ब्रह्मदेव। वो सप्तद्वीप हो अथवा सिंधु द्वीप, हर प्रजापति को अपनी सुरक्षा के लिए
पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष को एक निर्धारित शुल्क देकर संतुष्ट करना पड़ता है, और हम तब तक उस प्रजापति का नाम जानने के इच्छुक नहीं है जब तक कि वह हमारे सम्मान में त्रुटि नहीं करता। वीरन के स्वभाव से मैं भलीभांति परिचित हूं दक्ष, वो तुम्हारे तो क्या, किसी के भी सम्मान में त्रुटि नहीं करता। इसी कारण मेरा परामर्श कि तुम प्रजापति वीरन की कन्या से अपने विवाह की स्वीकृति दे। हमारी स्वीकृति से पूर्व आप वीरन से कहें कि वो कन्यादान के लिए हमारी सेवा में उपस्थित होकर हमें अपनी प्रार्थना करके प्रसन्न करें। Ha 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 ha